करे करेगा चलो। टोन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अच्छा चल चल नकली लौट कर आएगा। चल 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 क्या केबीसी से बोल रहे चल चल निकल यहां से चल। ओह नो चल ओह नो यू आर अंडर अरेस्ट। चल तेल चोरी करेगा चल चल पहन ले पहन। अरे पजामा आ गया क्या मेरे साथ सारे नाटक कर रहा था पहन ले कपड़ा कर रहा हूं साहब उधर चल चल इधर चल अगला निकाल आ जागा ने चल पांक मैं हूँ जेलर अमित। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में 5 खूंखार अपराधी, इन सब ने अलग अलग क्राइम्स किए हैं और इसीलिए ये लोग जाएंगे इस जेल के अंदर और इस जेल के अंदर ये लोग बिताएंगे अपना टाइम। जो भी सबसे लास्ट तक इस जेल में टाइम बिता पाएगा वो इस चैलेंज को जीत जाएगा और सबसे जीत जाएगा पूरे 1,00,000 रुपए। खड़े हो जाओ सारे कैदियों, चलो जेल के अंदर। इन सबके हथकड़ियां लगी हुई है, इनके कैदी नंबर लिखे हुए इनके ऊपर। चलो 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 अंदर। और यहाँ पर जो जेल है उसको मैं कर रहा हूँ लॉक। इस चैलेंज का कोई टाइम नहीं है, कोई 24 घंटे नहीं है, कुछ भी नहीं है। जेल का दरवाजा काफी छोटा है, यहाँ पर 5 कैदी हमारे पास में। नाम बता। बताओ मेरा नाम है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नाम बता। क्या बता? मच्छर पहलवान। अब आए ना लाइन पे। मच्छर पहलवान है यहाँ पे। नाम बता। गंजू आटा खरीद लूंगा सबको। ये कौन है, ये कहाँ से? गंजू आटा। चल नाम बता। पप्पू सुपारी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? नाम बता। ऐसे रहेगा कौन से बदतमीजी नहीं। अच्छा नाम बता। क्योंकि पुलिस जिसका इंतजार कर रही है वो है लप्पू डोन। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से नंबर 1 का कबीला। नाम बता। झंडू चोर, झंडू चोर। सबके सब चोर हैं साले। पहलवान, कौन सा पहलवान? मच्छर पहलवान। पिंड मत जाइयो, हमारे में तेरे बाप को मत सिखा। चल यही मसल दूंगा मच्छर की तरह। और ये दुनिया की शायद पहली ऐसी जेल होगी जिसके अंदर रहने पे कैदियों को पैसा मिलता है। पानी पिएगा कोई? ले पकड़ो। अरे लड़ाई मत करो। अरे लड़के रहे पानी के लिए। जेलर साहब। हाँ मेरी पैंट फट गई। ये फालतू बातें क्या बता रहे हो मुझे? तो अच्छा तू बड़ा VIP है। अंदर चल। जेलर साहब भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने कुछ नहीं किया था। अच्छा तू तो फ्रॉड KBC फ्रॉड कर रहा था। तू है ऑनलाइन मनी स्कैम कर रहा था तू है। मेरा जुर्म क्या था साहब? मेरा बताओ भाई साहब। ये बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। मैंने क्या किया था? तो साले रस्सी चुरा रहा था। रस्सी चुरा रहा तू? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तू 7 करोड़ देगा? 7 करोड़ देगा भाई। फिलहाल ये लोग अंदर जा चुके हैं, आधे घंटा हो गया इनको अंदर में और इनको जो है कुछ खास फर्क अभी तक नहीं पड़ रहा। अभी तो सारे लोग चिल्ली लग रहे हैं मेरे को। बीड़ी चाहिए? 500 रुपए की मिलेगी। क्या बात कर रहे हैं बाबा, ज्यादा महंगी नहीं? पिछली ऐसे ही मिलती है, 400 की मिलती है हमारे यहाँ। ऐसा ही होता है, ऐसे ही मिलते हैं। कौन सी जेल में गया था? जेल से मैं निकल के आया था बाहर। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। यहाँ तो 500 की मिलती है, लेनी है तो ले लेना, नहीं तो रहने दे। अब देख तू, अब देख तू, अब अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। एक चीज दिखाऊं तुमको, ये देखो, ये है 1,00,000 रुपए। पैसा ही पैसा होगा। और तुम में से जो ज्यादा देर रहेगा उसको ये मिलेगा। देख लो अभी तो, देख लो। बाप को भेज,
तेरे बस की बात नहीं। झंडू चोर पकड़ेगा पैसे, जिंदगी में 1000 रुपए नहीं देखे, 1,00,000 रुपए की बात कर रहा है। खाने पीने का चाहिए किसी को? कुरकुरे मेरे पास, लेकिन दिक्कत यह है कि कुरकुरे दो ही हैं। ये भगवान क्या जुलुम है। मैं वो ईमानदार, किसको चाहिए बताओ? तुम दोनों, और तुम दोनों पंजा लड़ाओ, जो जीतेगा उसको दूंगा, जो जीतेगा उसको मिलेगा। लड़ाओ पंजा लड़ाओ, ले ले। ये तो मैं खाऊंगा। हाँ भाई, तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तुमने सुना होगा पुलिस ने रिश्वत ली, आज पुलिस रिश्वत दे रही है। क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तुम में से कोई भी निकल सकता है, अगर चाहे तो 10,000 रुपए लो और बाहर निकलो। जिसको 10,000 चाहिए बाहर निकलो, 10,000 पकड़ो। जेल में क्यों आया तू? साले रस्सी चोर, रस्सी चोर। भाई मैं तो 10,000 रुपए दे रहा था, अब कोई नहीं लेना चाहे तो नहीं लेने दो। अरे मुझे पता है तुम चोर हो सारे। ओए लड़ क्यों रहे हो तुम लोग? फाड़ दूँगा चीज़, फाड़ दूँगा। जा मैंने इस जेल के अंदर 5 कोने बना दिए हैं। पांचों लोग अपने अपने कोने में खड़े हो जाओ, जो भी बाहर निकलेगा वो चैलेंज से बाहर है। पांचों लोगों को मैंने 5 कोनों में सेट कर दिया, ताकि अब ये ज्यादा शैतानी ना करे अंदर। और अब तक ये लोग मजे मजे में ले रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है थोड़ा सीरियस मामला चालू हो जाएगा, क्योंकि अब बात 1,00,000 रुपए के ऊपर आ जाएगी भाई। अच्छा ज्यादा हल्के में ले रहे हैं। चुप, झंडू बेटा बाहर आ जा। बाहर चलो, चल बाहर, चल बाहर, कुटाई नहीं, चैलेंज से बाहर है। हाथ बाहर रखा है, अरे बाहर रखा है हाथ इसने, चल बाहर, चल चल, अरे बाहर चल भाई। इसने हाथ जो है उस छोटे से उसे बाहर रख दिया, और फिर ऐसे एक्ट कर रहे जैसे किसी ने देखा नहीं। हमारी नजर ऐसे ही है क्या भाई? हमारे हाथ और आंखें बहुत लंबी हैं गाइस। कैसा लगा जेल में तेरे को? चोरी करेगा? अबे साले फिर बंद करू जेल में? कितना नुकसान कर दिया मेरा। तू पेट्रोल चोर के कितना कमा लेगा तू? 350। तो भाई अब अपने पास में हो चुके हैं 4 कैदी, 1 कैदी जो है वो बाहर हो चुका है। मेरे घर वालों को बोल देना मैं सही सलामत हूँ। हाँ, इसमें निकल सकते हो। झंडू चोर, घर वालों को कह देना कि वो स्टडी कर रहे हैं कॉलेज में अच्छे से। अरे अंदर कर ले हाथ, वही थोड़ी दूर है मेरी माँ, उसे जाते मेरा। चुप कर बे कुत्ते। दोस्तों ये लोग अंदर ज्यादा चिल हो चुके हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। इसी का सॉल्यूशन मैंने निकाला है, इन सबका मुंह बंद करूंगा। आ जाओ, बहुत देर हो गई तुमको बोलते बोलते। और बोल, बोल अब मेरे सामने फालतू बोल रहे। अगर ये टेप हटी तो तुम चैलेंज से बाहर हो। सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। 2 मिनट का टाइम मिलेगा, टाइम स्टार्ट है, कर जल्दी कर। क्या रुक जा, ये भगवान क्या जुलुम है। ओए 30 सेकंड बचे हैं, 10 सेकंड, 8, 7, 6। और गाइस ये जो जेल है इसका दरवाजा खुला भी रख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो बाहर आ ही नहीं सकते। दोस्तों अब काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, और अब जो है ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इन लोगों को अपनी मुंह पे टेप वाली सज़ा काटते काटते 1 घंटे से ऊपर हो गया है। और तुम्हारी सज़ा ख़त्म है, अब तुम चाहो तो अपनी टेप बढ़ा सकते हो। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई है, और मैं चाहता हूँ कुछ ठंड में गर्म पहनने के लिए, क्योंकि मैं तो परेशान हो गया हूँ। गाइज मैंने तो अपना ये जैकेट पहन लिया है। जेलर साहब, रजाई लाओ रजाई, सर्दी। तुम्हारे लिए यहाँ पे
डांस वांस की व्यवस्था करा मजा आ जाएगा इनको। दोस्तों लगभग 2 घंटे हो चुके हैं इनका मुंह की टेप खोले हुए और तब से अब तक इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है और अब जो है सर्दी भी काफी ज्यादा हो गई। लेकिन गाइस हमने इनको कोई भी ठंड से बचने की चीज नहीं दी है अभी तक। लेकिन एक जो रूल होता है जेल का सिंपल कि कैदी को खाना दिया जाएगा शाम होते ही। यहाँ पर इनके लिए खाना जिसमें है रोटी और दाल। पनीर की भुर्जी। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? क्योंकि जेल में रोटी दाल ही मिलता है बस। ये लो रोटी दाल दे चुके हैं इनको खा लेने देते हैं। गाइस इनको रात को ठंड से बचाने के लिए रजाई दे रहा हूँ लेकिन 2 ही रजाई हैं और 4 लोग हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये पकड़ो भाई। इन 4 में से कोई भी निकलने को तैयार नहीं है। इनको बिस्तर दे दिए हैं और अब ये लोग ठंड से तो थोड़ा सा बच जाएंगे लेकिन एक एक रजाई में 2 कैदी हैं फिलहाल। अच्छा तेरा नाम पप्पू सुपारी कैसे पड़ेगा? मैं सुपारी खा के हैकिंग करता था। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और तेरा कैसे पड़ गया मच्छर पहलवान? अरे मैंने कुछ मच्छर मार दिए थे एक साथ। क्या साबित करना चाहता है तू? तुम्हारी रजाई कभी भी छिन सकती है, ध्यान रखना। मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कभी भी छिन सकती है, हमारी मर्जी है भाई। जेल जेल प्रशासन का यहाँ पर जो है राज चलेगा, तुम्हारा थोड़ी चलेगा अपराधियों का। पता चला डोम सर्दी की वजह से मारा गया। A few moments later. पैसे कहाँ से लाए तुम लोग? जलवा है हमारा। तो पैसे ले, पैसे इधर पकड़ा। पता है हरामी हो। बहुत पैसे मेरे पास। अंदर चलो, इससे पीछे रहो, अंदर अंदर रहो, इससे इससे अंदर रहो। ये एक्चुअली में कूपन है भाई, तो कोई मत कहना करेंसी है ये। इंडियन चिल्ड्रन भारतीय मनोरंजन बैंक के कूपन है। बहुत तेज हो रहे हो है। कैसे नीचे से उड़ाया था? वो तो वैसे भी अंदर से उड़ा रहा था। ना 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 ना, ना बाहर से नहीं उड़ा सकता। चलो बाहर आ जा। चला तू तो गया बेटे। ये अंदर से पैसे उठा रहा था मैं। तो क्या नाचो मैं? तुम पैसे उठा रहे थे, बाहर से क्यों उठा रहा था? बाहर से क्यों उठा? अंदर इतनी मस्ती में आने की जरूरत नहीं थी। अंदर से पैसे उठा के देख रहा है। दे दिल से दूंगी मेरे यार को। क्या हुआ लड़का है? किसके लिए डांस कर रहे थे? किसके लिए? क्या लड़का है वो? तो मेरे साथ अन्याय हुआ है। लड़का है क्या? तो तुमने चेहरा क्यों देखा उसका? किसने बोला था? ले ले ले, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। तो गाइस हमारे पास तो लड़का ही था और लड़के की वजह से अंकित है वो भी एलिमिनेट हो गया। मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून? ये कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। और गाइस हमारा जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया। इस रंगारंग कार्यक्रम के थ्रू हमने अंकित को यानी एक कैदी को एलिमिनेट कर दिया है। पप्पू सुपारी एलिमिनेट हो चुका है। अब बचे हमारे पास में 3 कैदी। इसके सारे पैसे गए गाइस। पैसा बर्बाद। गाइस पप्पू सुपारी ने भी बहुत मेहनत करी थी इसीलिए हम इसको 10,000 रुपए दे रहे हैं। ओए पप्पू 10,000 पकड़ दे रहे। ये बस ऐसे ही कि तूने मेहनत करी थी और तू गलती से एलिमिनेट हो गया। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा सुनो, तुम लोगों के लिए भी ऑफर है। अगर कोई भी अभी छोड़ता है तो 20,000 रुपए लो और बाहर निकल सकता है। बताओ है। क्या है?
एक कप चाय। चाय मिल जाएगी, पैसे लगेंगे 1500 रुपए का एक कप। दोनों चोर हो गया तुम, 1500 में एक चाय आएगी भाई। ओए तुम बाहर हो गया ना, तू भगना यहाँ से। ओए कह दी ले चाय। गाइस इनको चाय दे दी है। गाइस रात के बज चुके हैं 12 और ये लोग सो चुके हैं, तो इनकी नींद डिस्टर्ब करने के लिए मैं कुत्ते का साउंड बजा रहा हूँ। स्पीकर हमने ऊपर रख दिया है। मोई चल रहा है, मोई तो ऊपर चल रहा है, नीचे फेंक दिया। ये बात। और भाई मैं भी चलता हूँ अपने घर, इसके ऊपर ताला लगा के ताकि ये लोग बाहर ना आ सके। गुड मॉर्निंग गाइस, अगली सुबह हो चुकी है और अब कैदियों का हाल चाल लेंगे। चाय कहाँ से आई वे? चाय कहाँ से आई? ये गड़बड़े बाबा। चाय कैन से लाए थे तो बताओ। ऑनलाइन ऑर्डर करिए। कौन सो करे चाय ऑर्डर करेंगे ऑनलाइन, फोन यूज करेंगे जेल में और चाय ऑर्डर करेंगे ऑनलाइन। दोस्तों 10 बज चुके हैं लेकिन ये लोग अभी तक भी अपने बिस्तरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, यानी कि इरादा नहीं लग रहा अभी निकलने का। हाँ भाई कह दियो, ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए तुमको? आलू के पराठे। तेरा बाप यहाँ छोड़ कर गया था कि तेरी माँ? अच्छा मेरे को फ्रेश जूस चाहिए। एक नंबर चीज, एक नंबर, जैसे रात को एक नंबर डांस था ना वैसे लेके आऊंगा, एक नंबर। इन लोगों के लिए नाश्ता आ चुका है, इसमें मेरा भी समोसा है। ठीक है, चीटिंग 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 करता है तू। ये जेलर है ना, ज्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं, कल से हमारे साथ ही बंद है ये खाने में यार। तो भाई मेरी खुद की पर्सनल जेल है, मैं कुछ भी करूं। बात तो सही है। गाइज हमारे पास में दो जूस है, पाइनएप्पल जूस के दो गिलास है, गिलास दो है, पीने वाले तीनों, दो को मिलेगा। मैं 3-2-1 करूंगा, 3-2-1 बोलते ही जेल के ऊपर ये पकड़ के लटक जाना है, जो गिर जाएगा सबसे पहले उसको जूस नहीं मिलेगा। गो पकड़ पकड़ जल्दी। गाइज ये लोग पकड़ चुके हैं, ले भाई उतर गया ये, ये गिर गया विकास। ओए ले ले लो, आ हट जा, गिर गया तू। और भाई अब बोर हो रहे हैं यार, और दोस्तों पहले कहना, दोस्तों ऐसे ही कोई अपराधी नहीं बनता, ऐसे ही कोई चोरी नहीं करता, कुछ तो मजबूरियां होती है, पापी पेट का सवाल होता है। पहले मैं बहुत अच्छे परिवार से था, मैंने पहलवानी इसलिए सीखी कि मुझे कुछ लोगों ने मिलके कूटा, पहले बहुत गंदी तरह से कूटा, मुझे मच्छर तरह मार दिया। मेरे गलती से मेरी गैंग के हत्थे चढ़ गया, तो इसको इतना चौपड़ा इतना धोया, आज ये मेरे साथ बंद है लेकिन चू भी नहीं कर रहा। देखो ये आटा, ये फोन 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 पकड़ा गया जेल में, हमारी जेल में फोन, हमारे जेल में फोन, कहाँ से आया फोन हमारी जेल में? जेलर का काम हमें करना पड़ रहा है गाइस। गाइज ये लोग अभी काफी ज्यादा फ्री हैं तो इनको थोड़ा सा बिजी करते हैं। इसके अंदर सिक्के हैं, ये टोटल करके बताओ इनका। ये मूंगफली है, मूंगफली छील के देनी है, खानी नहीं है, ये तुम्हारा काम है। हाँ। पकड़, बटन लगा इसमें। कहाँ कहाँ लगाना है? जहाँ लगते हैं वहीं लगा। मेरा तो भाई सबसे इजी टास्क लगता है मुझे तो। गाइज जिंदगी में इतनी चोरी करी है, इतनी लूटपाट मचाई है, इतने बैंक लूटे है, पता नहीं क्या क्या किया है। ये पुराना है और इसके उसपे लिखा हुआ है एक नया पैसा, देखो। गाइस 40 मिनट का टाइम हो चुका है इन लोगों को अपनी अपनी मजदूरी करते हुए। मोहित ने अपनी मूंगफली छील लिया यहाँ पे। ओए बटन, बटन लग गए। कहाँ लगाया तूने बटन? दो बटन ये रहे। ये रहा। एक ये रहा, पांच दिखा। एक ये रहा, जैसे टूट जाए तो एक्स्ट्रा के लिए। अच्छा अब कितने पैसे हो गए? साहब ज्यादा हिसाब किताब तो आता नहीं है, तीसरे में तीन बार फेल हुआ हूँ। ये है 61 रुपए 18 पैसे 2 आने और इसका आप बता दो क्या है, ये समझ नहीं आ रहा। मैं तो मुझे भी नहीं पता, इसमें पता नहीं कौन सी भाषा लिखी हुई है। हाँ भाई कोई बाहर आना चाहता है 25,000 रुपए लेके? राजा बाहर चलो, तुम्हारे पास है 3-2-1 गो। यार मुझे लगता है क्लास में लेने का। बहुत सही किया तूने। गाइस विकास बाहर आ चुका है 25,000 रुपए के लिए और हमारे पास एक और एलिमिनेशन आ चुका है गाइस। अब बचे हैं सिर्फ दो कैदी अंदर। इसका नाम ही मच्छर पहलवान है, गलत आदमी ने पंगा ले लिया, मैं बंदूक से काम करने वाला। बस हवा निकल गई। अब दो ही लोग बचे और यार भाई टाइम पास नहीं हो रहा हम दोनों को लोगों का। दिन दिन ए जी माय नेम इज मच्छर, माय नेम इज मच्छर।
गाइज हमको यहाँ पर इंतजार करते हुए 2 घंटे से ज्यादा हो गया है, लेकिन ये लोग जो है बाहर नहीं निकल रहे हैं। धूप एकदम तेज हो चुकी है, कोई निकल नहीं रहा है। तो अब मैं सोच रहा हूँ उनकी बातचीत को बंद किया जाए, इनके बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। अरे तुम्हारी करूंगा ऐसी तैसी। मच्छर पहलवान देगा ताकत, उठा इसको। ये दीवार है तुम दोनों लोगों की, अगर तुम इधर उधर हुए जो भी हुआ वो बाहर है, ठीक है? याद रखना ये चीज। अब मैं पानी कैसे पीऊंगा ये बताओ। तबे खराब, मैं तो जीवन भर रह सकता हूँ, जिंदगी भर रह सकता हूँ। आजीवन कारावास हो रखी है मेरे को 4 बार। दोनों का पार्टीशन करने के बाद में भी ये लोग अभी तक नहीं बाहर निकल रहे हैं। अब इनको देंगे 3rd degree torture। यहाँ पर इनके बैरक में 2 बर्फ की सिल्लियां रख दी हैं। अब इन दोनों कैदियों को इन बर्फ की सिल्लियों के ऊपर खड़ा कर देंगे और जो सबसे पहले यहाँ से हटेगा वो चैलेंज हार जाएगा। चलो खड़े हो जाओ इसमें, आ जाओ। 3, 2, 1, go। अब जो हटा जो हटेगा वो हार जाएगा गाइस, और अभी फैसला हो जाएगा 1 लाख रुपए गाइस। और भाई बर्फ की सिल्ली बहुत ठंडी होती है, इसके ऊपर पैर नहीं रखा जाता। ओए बैठना नहीं है, बैठना नहीं है, बैठना नहीं है, बैठना नहीं, खड़ा खड़ा हो। नहीं 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 नहीं, हम बाहर कर देंगे, जल्दी खड़ा हो। घोड़ा है क्या, गधे है? अब जो उतरा वो 1 लाख से हाथ धो लेगा। किसी को 10,000 लेके एलिमिनेट होना है। 30,000 से 10 कर दिए मैंने। चलो किसी को 20,000 लेके एलिमिनेट होना है। गाइस दोनों लोग फिलहाल बर्फ की सिल्लियों पे खड़े हैं और सोचो क्या हालत हो रही होगी इनके पैरों के नीचे की। ओए ना 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 ना, पकड़ना नहीं है, ना 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 ना, पागल जाऊंगा। गाइस बर्फ पे ऐसे खड़े हो ना बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, आप समझो कि गाइस ये खुशी है या दर्द है ये नहीं पता। 1 लाख रुपए यहाँ पर गाइस जीत चुका है झंडू। तो गाइस लप्पू चोर यहाँ पर जीत के साथ बाहर निकलते हुए कैंप से। तो गाइस अब करते हैं सम्मान समारोह यहाँ पर। यहाँ पर जो लप्पू चोर है, लप्पू डॉन है, उसने जीते हैं 1 लाख रुपए। और मच्छर पहलवान जो है वो है खाली हाथ, निराश, हताश। गाइस मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारा मजा आएगा इस चैलेंज के अंदर। गाइस ये जो चैलेंज है ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज यानी कि मेहनत और खुद से मतलब पूरा लगे हुए हैं उससे ज़्यादा एक बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस और बन गया हम सबके लिए। भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आया इस वीडियो के अंदर, सब लोगों ने इतने मज़े लिए कि ये वीडियो हमें वीडियो ही नहीं लगी, ये चैलेंज ही नहीं लगा, ये चैलेंज सिर्फ मज़ा लगा। जेलर को अंदर डालना है तो भी बता दो भाई, जेलर को भी जेलर तो जेलर जाएगा। अच्छा हाँ चलो गाइस, इस वीडियो को अगर आपको पार्ट 2 चाहिए इससे भी खतरनाक वाला तो नीचे कमेंट में बताओ अगर आपको पार्ट 2 चाहिए है। और इस वीडियो के ऊपर कर दो 5 लाख लाइक, मैं अब भी आपको गारंटी दे रहा हूं अगर इस वीडियो में 5 लाख लाइक होते हैं तो हम इसका पार्ट 2 जरूर से बना देंगे। आप ये सोचो कि मेरे 1 लाइक से क्या फर्क पड़ेगा गाइस, तभी 5 लाख होंगे। तो आप लोगों का काम है इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जो है जरूर से दबा देना और आपके अपने चैनल क्रेजी एक्सवाईजी को सब्सक्राइब करना गाइस जरूर से बनता है। चलो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। 1 लाख रुपया लेके अपन निकल रहे हैं लपोड़ा।